क्या नाम है? लुलू बोले, लुलू ना है। अरे लू वो लू अबे लुलू है, लुलू ना है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रेंद्र सेन व्लॉग्स। और आज का इतना बढ़िया वो है ना, सी फेसिंग। सॉरी, आई थॉट इट्स सी फेसिंग। यार अभी हम लोग उठ गए एंड सबसे पहले कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद बचा हुआ काम निपटा के रात तक फिर घर के लिए निकलेंगे। लेकिन यार अभी काम बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। आज हम क्या कह रहा हूँ, लुलू मॉल जाएंगे। चलो भाई जाएंगे ना, उसको काम खत्म करेंगे तभी टाइम बचेगा। टाइम नहीं बच रहा भाई। यार भाई काम ही इतना ज्यादा। ब्रेकफास्ट डन। तो यार कर लिया है ब्रेकफास्ट, अब फटाफट से निकल रहे हैं काम के लिए। अभी बज रहे हैं 12:30। फटाफट से 4-5 घंटे का काम है, फिर उसके बाद अगर टाइम मिला, वैसे मुझे लगता नहीं कि टाइम मिल पाएगा, अगर टाइम मिला बाई चांस तो थोड़ा बहुत घूम के आएंगे, वरना वापस चले जाएंगे। यार मतलब सोच के तो आए थे कि यार थोड़ा बहुत घूम के आएंगे, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिला। ऊपर से थोड़ा बहुत जो बचा कुचा साथ था वो मौसम ने भी नहीं दिया। तो यार कुछ दिनों से ना ये हो रहा है कि ना व्लॉग्स के थोड़े सिंक नहीं बैठ पा रहे यार। उधर से वो बेचारी भेजती है व्लॉग शूट करके, बेचारी 10 क्लिप भेजती है, 10 में से 4 आती हैं, बीच की 6 मिसिंग हो जाती है मेरे को भी एडिट करने में। बट यार मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि व्लॉग्स टाइम पे आ पाएं। ऐसा होता है कि मजबूरी में आपको ना मतलब ना चाहते हुए भी रखने पड़ते हैं। मजबूरी में 15 दिन से डंडा दे रहा है भाई। किस चीज का डंडा दिखा? क्या रहा 15 दिन से डंडा दे रखा है? या तो भाई काफी अंदर चला गया होगा। मैं समझ नहीं आता, कई लोग ये लाइनें बोलते हैं ना, डंडा दे रखा है। पहली बात भाई मुझे ये बताओ कि किसी ने कहा, और अगर किसी ने फोर्सफुली भी डाला वो डंडा, तो आपके पास तो दोनों हाथ है ना है। हाँ तो आपके पास तो दोनों हाथ है ना, आप मना कर दो नहीं चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं आपका भी इंटरेस्ट था, इसीलिए आपने डंडे के लिए हाँ बोला। क्यों नहीं थे? अरे बहुत ही प्यारी से केटू केटू सरदार पास जाके पूछ क्या कह रहा है। साढ़े बच्चे सरदार में दोबारा बोलिए। सरदार के पास जाके ओ मेरे बिच्चू कुछ 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 क्यूट है ना बहुत ज्यादा। जितना प्यार उसको करते ना वो कभी नहीं छोड़ती रहती। ओ वो भी साथ में है ब्रो। एक बार किसी ने ये कहा था, मैंने रिद्धि को बोला था ना किससे करा था, तो किसी ने कमेंट किया था अगर इतना भाभी को किया होता ना, या इतना मतलब इतना मैम को किया होता ना, आप लोग 2 से 3 हो जाते हैं। तो यार ये मेरे को याद है जब पूजा पैदा हुई थी तब भी कोई श्रीदेवी की मूवी चल रही थी, नंदू पैदा हुई तब भी, क्योंकि इनकी जो डिलीवरी है मतलब जो पापा के पास पैदा हुई है, ये पापा और मम्मी ने इनकी डिलीवरीज करवाई हुई है। तो मम्मी हंसते मम्मी को अपना टाइम याद आ गया, अच्छा मैं ये भी थी। और नंदू के अंकू के टाइम पे मतलब इनके ब्रदर के टाइम पे मेरे को याद है राम लखन मूवी चल रही थी, तब पूरी रात के 12 बज रहे थे, तूफानी अंधेरी रात, उसमें अंकू का पैदा होना। अच्छा तो ये तो मेरे सामने ही बड़े हुए हैं ना नंदू। अच्छा कोई ऐसा किस्सा है जेड़ा तेन याद है, मतलब जेड़ा सब तो खतरनाक हो? खतरनाक इन्होंने बड़ी मार खाई है बच्चों ने, मार ही बहुत खाई है और प्यार नहीं मिला। प्यार बड़ा मिला तो मतलब ना चल। अच्छा नंदू कोई किस्सा ऐसा सुना जेड़ा तेन मतलब याद हो हले ताई भी। अरे ताई वैसे क्या होता था मतलब जनरली कि जब ये स्कूल से आते थे उसके बाद सबका मैं ट्यूशन लेती थी, ट्यूशन इन द सेंस कि मैंने इन सबका रखा होता था कि साइंस पढ़ानी है, मैथ पूरे लाइन में बिठा के, फिर हम टीचर टीचर खेलते थे, डॉक्टर डॉक्टर खेलते थे, बड़ा ज्यादा अच्छी बात और मतलब बड़ा मजे किए हमने। पूजा तेनों को ये किस्सा याद है? योगा भी किया है। योगा मतलब बचपन से मेरे को इतना क्रेज था, इनको तो मैं योगा बहुत करवाती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट मतलब सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा गुड्डा गुड्डी की शादी करना, इनके घर में अपनी डॉल की शादी करके भेजा और वहां से वापस लेके आ गई सारी की मेरी डॉल वापस कर। और अब लोग हम लोग आ गए लुल्लू
लुल्लू मॉल इनको अपनी इंस्टाग्राम आईडी दिखाइए। अरे दिखाइए, अरे निकालो भाई फोन अपना, शर्मा का है। तो ये भाई भाई आया और बोला अपनी इंस्टाग्राम आईडी दिखाओ। ये देख रहे थे तो इनमें से ये वाला भाई पहचान गया, इनको ये वाला पहचाना नहीं, तो इन दोनों ने शर्त लगाई तो ये भाई हार गया। अरे किडनैप मत कर ले जाना इनको भाई। अरे अरविंदर सावनी उनका फैन पेज चलाते हैं। भाई कितना बाहर से अंदर लेके आए, कुछ तो बहुत होंगे आज तुम बाबू। सुबह से यार इतना ज़्यादा काम 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 काम, और मतलब बिल्कुल ना अब सर फटने को हो रहा है यार। मैंने कहा अपना कुछ अच्छा सा खाते हैं, फिर उसके बाद अब निकलेंगे। आज रात की बस है दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए हमारी बस है 11 बजे की। तो मैंने कहा यार 2-3 घंटे थोड़ा सा आराम से सुकून से बैठेंगे। भाई के जानने वाले मिल गए, मेरी मोहब्बत आ गई है। आए हाय हाय। फिर वो हिमाचल में कौन है यार? वो प्यार है और इश्क है, ठीक है ना? ज्यादा बकचोदी ना करा करो, अलग होता है, बस समझा करो। होता है मतलब होता है। तो यार अभी बज रहे हैं 9 एंड अभी भी हम लुल्लू मॉल में, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। अभी मनोज वगैरह कुछ काम से गए हुए हैं, आधे घंटे के बाद निकलेंगे हम लोग, और इतनी तेज नींद आ रही है ना मेरे को, इतनी तेज नींद आ रही है जिसकी कोई हद नहीं है। बट सबसे अच्छी बात यह है कि यार जिस काम के लिए आए थे वो जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से हो गया। उपासना भी आ जाएंगी 2-3 दिन के बाद, फिर उसके बाद कहीं यार घूमने उमने का प्लान बनाएंगे, क्योंकि बहुत बैक टू बैक काम कर करके ना बिल्कुल थकान सी हो गई है। तो यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में, फिर बस पकड़ेंगे, फिर मैं यार सबसे बड़ा वो रहेगा यार ब्लॉग कैसे एडिट करूँगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा थोड़ा अभी एडिट कर लेता हूँ। बाय 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 बाय। फिर अभी बज रहे हैं 9:30 एंड अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से देखा एक एल आपकी जिंदगी में कैसे क्या से बुरी बैठ रहा है। देख मैं ये कहना चाह रहा हूँ मनोज, इस बात से क्या समझ आया कि एक एल जो है ना आपके जीवन में देखो क्या से क्या लगा सकता है। इसीलिए कहते हैं जो एल होता है उसका सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोगों से पूछताछ करेंगे कि इस मॉल का नाम क्या, और देखते हैं कहाँ से फायर एग्जिट है। ऐसे से करा सही है। तो यार लुल्लू को हमने किया बाय बाय, लुलू विद सिंगल एल, बहुत बढ़िया आदमी है। कह रहा अरुण भाई मैंने ना आपके जितना हरामी आदमी नहीं देखा। मैंने कहा भाई फिर भाभी को भी पता है और दुनिया को नहीं पता क्या हो क्या हूँ मैं क्या बहुत बढ़िया आदमी हो भाई। पता क्या आईना देखा कर सच्चाई बताती है मेरे भाई, मेरे आईना तो देखना पड़ेगा ना मेरी जान। हमेशा लड़ाई झगड़ा, श्री कृष्ण ने गीता में कहा था शांत रहो भैया। श्री कृष्ण ने ये भी कहा था, बताओ मैंने क्या कहा था?
युद्ध उठाने के लिए अर्जुन को। अगर आपका कोई भी दुश्मन नहीं है तो आप धर्म के रास्ते में नहीं चल रहे हो। ऐ धर्म कर रहे हो आप, पापी हो, ऐसा मैं नहीं श्री कृष्ण कहते हैं। अगर प्यार पाना है तो प्यार तो करना पड़ेगा ना मेरी जान। ये लगा रखा ही मैं। फिर कल जाके एक दो मीटिंग है दोपहर की और एक है शाम की। शाम की फाइनल नहीं पर दोपहर की फाइनल है, बहुत ज्यादा काम है। परसों भाग के साली से तो मिलना जरूरी है। और भैंस के हाथ ही ना खुल रही है अभी। दर भी बज रहे सुबह के 6 और भाई बस ने सूट तुम सूट खींच कर पहुँचा दिया। हम लोग चले थे 11 बजे चले थे एंड 6 बजे आ गए। कोई यार बढ़िया से सो के आए, पूरी नींद भी होगी। अरब अक्षरधाम से मेट्रो पकड़ के फटाफट से घर। बस ने ना टाइम से पहले पहुँचा दिया, बस का टाइम था 7 बजे का। और ये बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य सुबह के 6 बजे का हमारी दिल्ली का। ये शाबाश, और हो जा बेटा थोड़ा सा और जूम होके दिखा, बस औकात से बाहर। समय से बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच गए तो अभी आंखें खुल नहीं रही हैं। अब यार एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब एडिट करना है बैठ के व्लॉग। अगर अब मेट्रो में करेंगे टाइम को यूटिलाइज, क्योंकि रात को बिल्कुल हिम्मत हुई नहीं यार एडिट करने की। रात को आने लगी बहुत तेज़ नींद, तो रात में फटाफट से सो, बिल्कुल पता नहीं चला जर्नी का। लेकिन अब मतलब वो रिफ्रेशिंग सा है, मतलब ऐसा नहीं है कि आंखों में नींद हो, थोड़ा टाइम लगेगा वो सोने के उठने के बाद होता है, लेकिन उसके बाद करेंगे। देखो ऐसे उबासियां मार रहे हैं ये नहीं, चलो कोई नहीं यार चलता है। फिर उसके बाद फटाफट एडिट करके दोपहर की मीटिंग शाम की मीटिंग निपटा के यार कुछ बहुत ही बहुत 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 अच्छा, ऐसे फिंगर्स क्रॉस्ड, मतलब बस मैं कह रहा हूँ कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आने वाला है। थोड़ा सा और इंतज़ार, आप लोगों ने इतना इंतज़ार किया है, थोड़ा सा और। तुम्हारे कुमारे सारे नींद में है, पूरी भी ऐसे उबासी मार रहा है। जो भाई अपने जो भाई पता है ऐड देख रहा है, फर्स्ट क्राई इंडिया के, ठीक है। ये अलग बात है, अभी बाढ़ गुए ना है। तो यार ठीक है, इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पर लाइक कमेंट और एक प्यारा सा कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब। सुनो न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। ओ भाई साहब।